constituents of Major Alok. Okay, and you are based out in Kanpur, and yeah. It's really good. Akhilesh, basically, I saw your CV, and you can play a very, very important role, right? And later we will ensure that revenue streams would also flow to you, because मुफ्त की सेवा बहुत समय बाद जो है वो residual energy पे work करती है, right? और residual energy से काम चलेगा नहीं, okay. क्योंकि residual energy जो है से आप देश को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, देश की तस्वीर और तकदीर नहीं बदल सकते हैं. बदल सकते हैं क्या? नहीं सर, पॉसिबल नहीं है. हाँ, तो इसका मतलब है कि जब ये इतनी बड़ी चीज है कि देश में समृद्धि ला देगा, इसमें जो है ना हर कोई स्वस्थ हो जाएगा, देश से कैंसर गायब हो जाएगा, बड़ी डिसीजन गायब हो जाएंगी, जिंदगी में स्पिरिचुअलिज्म आ जाएगी, आपके जो जितने भी खादान हैं वो अमृततुल्य हो जाएंगे. तो इसमें बहुत सारे मॉड्यूल सब हमने जोड़ दिए हैं, क्योंकि देखिए अखिलेश, एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूं वो मेरा नहीं है. तो आप पूछेंगे फिर कहां से आ रहा है? तो कुछ कॉस्मिक पावर जो है, दे हैव टेकन माय कंट्रोल विद देम, एंड आई एम हैविंग ए सम काइंड ऑफ डाउनलोड एवरी नाइट, राइट? और जो समस्याएं अनसुलझी रहती हैं उनके फाइनल कंटूर्स भी डाउनलोड होते हैं. मतलब जैसे कोई चीज कंफ्यूजन क्रिएट होती, किसी से बात किया, उसने कहा साहब इसको कैसे हैंडल करेंगे, तो या तो अगली रात को या दो तीन दिन में जो है ना उसका कोई सॉल्यूशन विद द फाइनल कंट्रोल्स इज अवेलेबल विद मी, राइट? तो मुझे लग रहा है कि, और ये इट इज ए सोर्स ऑफ ग्रेट एम्पावरमेंट आल्सो, क्योंकि उससे क्या लगता है कि यदि ये सोच हमारी नहीं है और ये सोच कॉस्मिक है, तो फिर कॉस्मिक पावर तो हर किसी को इन्फ्लुएंस कर पाएगा ना. बिल्कुल सर, कॉस्मिक पावर का जो है ना सीमा मैत्रीक्षण गुप्त से तो बंद ही नहीं है. वो तो जो है ना जितने भी पात्र लोग जिनकी जरूरत होगी उनको जाके भी जो है ना कहेगा कि जाओ भाई ज्वाइन करो, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर फालतू का काम, इसी काम के लिए तुम पैदा हुए हो. बिल्कुल सही, एग्री विथ मी. मैं अखिलेश आपके लिए रोल सोच पा रहा हूँ कि आपको दो तीन काम करना है. एक काम तो ये करना है कि जो हम ये कह रहे हैं कि बेसिकली इट इज बियॉन्ड द कैपेबिलिटी ऑफ वन इंडिविजुअल टू रीच आउट ईच एंड एवरी फार्मर्स, ईच एंड एवरी स्टेक होल्डर्स, क्योंकि इसमें अकेले फार्मर स्टेक होल्डर्स नहीं है. फार्मर एक हो गए, ठीक है ना, देन आपका जो मेडिसिनल प्लांट और हॉर्टिकल्चर प्लांट्स और ये सब बनाएंगे, तो जो प्रेजेंट की नर्सरीज हैं और मनी मोर नर्सरीज टू बी क्रिएटेड. तो जितना कितने पौधे हम लगाना चाहेंगे, यदि वन थर्ड एरिया में पौधे लगेंगे तो उनकी टोटल वैल्यू, टोटल संख्या बहुत ज्यादा होगी. उन पौधों को पैदा करने के लिए कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग वी विल बी टेकिंग एंड व्हाट विल बी अवर मॉडल. तो हमें जो प्लांट्स की स्पेशलाइज नर्सरीज पैदा करना पड़ेंगी हाई वैरायटीज की, राइट? एंड मेंटेनिंग ए प्रॉपर जेनेटिक बैलेंस आल्सो, तो हर तरीके के पौधे जो है वो रहेंगे. मतलब यदि यदि आम की जो है 5000 वैरायटी है, तो 5000 वैरायटी जो है ना दे विल बी ऑल अवेलेबल, राइट? और उन 5000 वैरायटी की कोई ना कोई बहुत अनूठी यदि रिसर्च नहीं हुई है, तो वो रिसर्च करके यदि ईश्वर ने वो इतनी वैरायटी पैदा की है, तो ईश्वर मस्ट बी हैविंग सम रीजन टू क्रिएट दोज मेनी वैरायटी, राइट? हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन यदि हम रिसर्च करेंगे तो शायद हम उसे पकड़ पाएंगे. और जो रिसर्च नहीं पकड़ पाएगी उसे कॉस्मिक डाउनलोड पकड़ लेगा. सर मेरे को नहीं पता कि ईश्वर ने जितनी भी प्रकृति में चीज बनाई है, झाड़ी है चाहे जिस तरह के पौधे हैं, उसको हम लोग जंगली पौधे करके ही निग्लेक्ट कर देते हैं. बट अगर हम उसका सोच करें, रिसर्च करें, तो वो भी हमारे लिए बेनिफिशियल है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है. तो सर एक शोध में ये भी पड़ा हुआ है सर कि हम अगर किसी भी पौधे को दिन में सुबह उठ के उसके पत्ते को, पौधे को टच करते हैं, उसको थोड़ी देर उसको सुराते हैं, हाथ फेरते हैं उससे, देन हमारी निगेटिविटी में खींचती है, अब्सॉर्ब करती है, हमें पॉजिटिविटी आती है हमारे अंदर. बहुत चीजें ऐसी होती है सर, रिसर्च में मैंने पढ़ा है. आप ये बताइए ना, हम धन कमाने के कारण और जो है ना दूसरों के लिए मौत के गड्ढे खोदने में इतने बिजी हो गए हैं कि इन फाइनल वैल्यूज के लिए
और उनको महसूस करने के लिए और दूसरों को महसूस कराने के लिए हमारे पास टाइम एंड एनर्जी ही नहीं है, हमारा बेंट ऑफ माइंड ही नहीं है। हम लोग तो खाना खाते वक्त भी अपना जो है ना फोकस खाने पर नहीं रख पाते हैं, नहीं रख पाते हैं, दिमाग कहीं और रहता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डू यू एग्री विथ मी? एब्सोल्युटली 100% एग्री सर। तो मुझे लगता है कि चूंकि आपका सेल्स एंड मार्केटिंग वो है, तो आपको जो है ना इसकी विंग्स बनाना चाहिए, एंड यू हेल्प ट्राई टू हेल्प मी आउट इन दैट, राइट। और दूसरी बात यह है कि हमें हर किसी को रेवेन्यू बांटना है, तो अभी चाहे जो है ना शुरू में जब तक अपन अपना बैलेट वैलेट क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं 3-4 महीने तक, तब तक चाहे ये मुफ्त सेवा बनी रहे, लेकिन 3-4 महीने के अंदर ही इसको जो है एवरीबडी शुड अर्न इनफ वेल्थ। जब हम सीएफबी वर्कर को कह रहे हैं कि 48,000 पर पर्सन से कम जो है ना उसकी पर मंथ परचेजिंग पावर नहीं होना चाहिए, तो जो हायर लेवल का काम कर रहे हैं उनकी परचेजिंग पावर तो कई लाखों में होना चाहिए, एटलीस्ट उनकी 1 लाख से कम तो पक्का नहीं होना चाहिए। सो क्योंकि यदि हम उसमें उसको वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो लोग रेसिडुअल एनर्जी पे काम करेंगे। यदि आप जो करिए कि यदि आप 50-60 हजार रुपया 1 लाख का कमा रहे हैं और यदि हम आपको 5 लाख की वेल्थ क्रिएशन का वो फंडा देते हैं और आपको 5 लाख मिलता है, तो आप फिर वो 40-50 हजार या 1 लाख की नौकरी क्यों करेंगे? नहीं करेंगे ना, माइंड ही डाइवर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि देन वी वुड बी इन पोजिशन टू यूज योर 100% एनर्जी। एग्जैक्टली, तो दैट इज द नीड ऑफ आवर। इसलिए हमें अपने इस मॉडल को 3 महीने में नीचे उतारना ही उतारना है। और इसमें एक प्रतिज्ञा हमारी और भी है कि हम ज्ञान नहीं बांटेंगे, राइट। हम जो है उसे प्रोडक्ट और सर्विसेज में कन्वर्ट करेंगे, राइट। इसका मतलब है कि हम ज्ञान से उसे देंगे जिस जो इमीडिएटली उस ज्ञान का यूज करेगा। तो जिसको किसी को जो है ना खाद बनाने का ज्ञान दिया जाएगा, किसी को पौधे के गड्ढे खोदने का, पौधे लगाने का, किसी को एक फोकस ज्ञान दिया जाएगा, उसको काम करने के लिए फोकस जो है ना टूल और इक्विपमेंट दिए जाएंगे, उन सब टूल और इक्विपमेंट को मॉडिफाई किया जाएगा, उसमें IoT डिवाइसेस लगेंगे, उसमें GPS डिवाइसेस लगेंगे, उसमें RFIDs लगेंगी, राइट। क्योंकि किसी को झूठ बोलने का कोई मौका नहीं रहेगा उसमें, और उसमें कोई माफी का क्लॉज भी नहीं होगा। देखो जैसे अज्यूम करिए कि यदि आप अपने हाथ में आग ले लेंगे तो आपका हाथ जलेगा या वो कहेगा कि नहीं नहीं ये तो अखिलेश का हाथ है, हमें आज नहीं जलाना है? जलेगा ना। यदि आप बर्फ लेंगे तो जो है आपको एकदम ठंडक यदि लगेगी कि नहीं लगेगी? तो द सेम थिंग शुड हैपन। यदि आप गड़बड़ करते हैं तो सिस्टम शुड बी इन पोजिशन टू टेक कॉग्निजेंस एंड इमीडिएटली गिव यू द रिजल्ट। और इसमें किसी को सैलरी नहीं रहेगी, इसमें जो है ना रेवेन्यू स्ट्रीम रहेगा। तो आपने जैसे ज्यूम करिए कि 5 गड्ढे खोदे हैं, तो 5 गड्ढों के इक्विवेलेंट रेवेन्यू आपके खाते में इमीडिएटली पहुंचेगी, तो आपको सैलरी मिलने का वेट नहीं करना पड़ेगा, राइट। और जब आपको मालूम है कि 5 गड्ढे खोदने पे इतने पैसे मिल रहे हैं, तो आपको लग रहा है नहीं यार ज्यादा पैसे चाहिए तो 10 गड्ढे खोद लिए जाए। तो इवन योर अर्निंग इज उतनी ही काम करने की रुचि आएगी मन में। नहीं, और दूसरी बात है आपको वो इफेक्ट जो है ना उस आपको रेवेन्यू स्ट्रीम तो उसी समय मिल जा रही है ना, मतलब आपको फसल आने का इंतजार नहीं करना पड़ रहा है ना। अरे गटिंग में पॉइंट, आपको जो है ना वो पौधा बड़ा होके जब फल देगा तो उसके जो प्रोसीड मिलेगी उसका आपको इंतजार तो नहीं करना पड़ रहा है, आपको तो तभी के तभी पैसे मिल जा रहे हैं। सो इसमें जो रिवार्ड है इट इज हाईली इंस्टेंटेनियस, तत्कालिक है। तो तत्कालिक रिवार्ड का सिस्टम काम ना करे ये तो संभव ही नहीं है। ये संभव है कि जो जिसमें तत्कालिक रिवार्ड आ रहा हो और तो आप उसको रोक पाए? अपने आप को आप रोक ही नहीं पाएंगे। जो भी आपकी नीड होगी उस नीड की यदि तत्काल आवश्यकता पूर्ति हो रही है तो आप अपने आप को कैसे रोक पाएंगे? बिल्कुल सही सर, है ना। तो अब मैं आपको जो मैं आपको लिस्ट करता हूं कि हम क्या क्या जिम्मेवारी आपको देना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप छोटी छोटी टीम बनाओ, ठीक है ना। पहला काम करना है कि हमें LIC के डेवलपमेंट ऑफिसर के तर्ज पर अपने ओपिनियन लीडर बनाना है, राइट।
ओपिनियन लीडर अपन नाम दे रहे हैं उसको, हम जानबूझ के बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर नहीं कह रहे हैं, ठीक है ना। मतलब वो उनका काम है कि लोगों को तक बात को पहुंचाएं और उन्हें उस काम के लिए तैयार करें, राइट। लेकिन उसकी मॉनिटरिंग और उसके लिए तो जैसे ज्यूम करिए कि आप जो है से यूपी के स्टेट ओपिनियन लीडर हो गए, राइट। तो आपको अपने जिले के ओपिनियन लीडर क्रिएट करना है, जिले वाला जो है अपने ब्लॉक के ओपिनियन लीडर पैदा करे और फिर गांव लेवल तक के ओपिनियन लीडर हो, राइट। ओपिनियन लीडर जो को अपनी बात समझाने के लिए जो भी मटेरियल तैयार करना है वो तैयार किया जाए, राइट। उनका काम है कि वो जैसे कि LIC पॉलिसी लेके आप मिलते हैं, वैसे ही आप हर किसान से, वो आप अपने लेवल पे डिसाइड कर सकते हैं कि किसानों को एक जगह पे खड़ा करना है या उनके घर जाके एक एक करके करना है, राइट। और उनके साथ ज्वाइंट वेंचर बनाना है, राइट। एंड उस ज्वाइंट वेंचर की सबसे बड़ी ताकत ये रहेगी कि जो उसको 1 MSP जो है, 1 MSP विल बी फ्री फ्रॉम ऑल कॉस्ट, तो किसान की माली हालत तो कम से कम 5 गुना इमीडिएटली इम्प्रूव कर जाएगी। कर जाएगी कि नहीं कर जाएगी, राइट। फिर उसमें जो है दूसरा एलिमेंट है कि उसको अपने ही खेत का फील्ड मैनेजर बनाया जा रहा है, जिसमें कि 10,000 से लेके 1,00,000 पर मंथ का एडिशनल वो रखा जा रहा है, ठीक है ना। देन तीसरा जो है फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा रही है, राइट। तो वो जो है जैसे जूम करिए कि मान लो गेहूं है तो उसमें आटा बनाने का काम करेंगे, फिर आटे में जो है ना कुछ हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि जो लॉन्गिटिविटी ऑफ लाइफ के लिए है, लेट इट बिकम द पार्ट ऑफ योर फ्लो। आटा आटा में ही वो चीजें क्यों ना डाल दें जिससे आप स्वस्थ रहें, लंबे जिए। आपके मसालों में ही वही चीजें क्यों ना डाल दी जाए, सो दैट जो है विदाउट मेडिसिन आप उस फूड के जरिए ही जो है ना आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और ऐसे ही जो है इवन जब आप किसी बीमारी से सफर कर रहे हैं तो मालूम पड़ा कि आटा फॉर दिस बीमारी, राइट। मतलब इसका मतलब है कि आपको ये महसूस ना कराने के लिए कि आप बीमार हैं, आप जो है ना खाने को एंजॉय कर रहे हैं और साथ में मेडिसिन भी पहुंच जा रही है, तो सोने में सुहागा नहीं हो जाएगा। बहुत ज्यादा प्रेगनेंसी तो एंजाइटी से हो जाती है कि आदमी सोचता है कि मैं बीमार हूँ और बस मैं बीमार हूँ और वो फिर रिकवर नहीं हो पाता, क्योंकि माइंड माइंड में कभी ऐसा हो जाता है कि मैं बीमार हूँ, मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, करेक्ट। और वो दवा नहीं लेता है। अब आप ये देखिए कि आपको जो है ना बिना बीमारी एहसास हुए पहले तो लॉन्गिटिविटी वाली चीजें आपके उसमें आ गई, राइट। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। यदि एज्यूम करिए कोई चीज लॉन्गिटिविटी के लिए से गर्मी भी करती है साथ में, तो उसे विंटर में कर दिया, तो अब आपको ये देना है कि फ्लोर फॉर विंटर। तो जो है उसमें जो ऐसी चीजें रहेंगी जो कि आपको सर्दी के समय खाना चाहिए, राइट। यदि कोई ठंडक करने वाली चीजें हैं और लॉन्गिटिविटी भी लाती हैं तो वो चीजें उस समय के उसमें कर सकते हैं। तो सीजन में बांट के वी कैन एडमिनिस्टर इट एंड वी कैन एड्रेस द सीजनल वेरिएशन ऑल्सो, राइट। तो ये चीजें अब इस चीजों को बनाने का काम कहां पे होगा, इसकी फैक्ट्री जो है गांव में होंगी। इसमें जो है वहां मशीनरी से लेके स्किल डेवलपमेंट का काम कौन करेगा, CFP करेगा। किसको सिखाएगा, उसको सिखाएगा जिसको यूज करना है। तो जो जिसको आप सिखा रहे हैं वो कल से उसकी नौकरी भी पक्की, मतलब उसकी शिक्षा और उसका व्यवसाय दो अलग अलग फिनोमिना नहीं होंगे, एक ही फिनोमिना होंगे। मतलब उसने आज शिक्षा ली और कल से जो है ना वहां पे पहले से ही उसी जगह के लिए तैयार किया जाएगा जहां पे जो है ना वो यूनिट खुल रहा है और काम स्टार्ट करे और आप बेनिफिट्स भी उसको देंगे, इसलिए बेनिफिट्स मिल रहे हैं और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है सर। आई रियली अप्रिशिएट नहीं तो इसमें जो है इसमें बेसिकली अखिलेश आई वांट की स्ट्रांग टीम बनाओ और जो है वो एक एरिया को सिलेक्ट करके हम वहाँ पे काम करना चालू करें। सर मैं पूरा कानपुर का मैप देख लेंगे सर, मेरे को एक क्या वो मिलेगा क्या आइडेंटिटी वगैरह कुछ अगर मिल जाए तो? हाँ हाँ बिल्कुल मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। अभी हम इसको आइडेंटिटी जारी करने का एक फंडा जारी करते हैं, 1 सप्ताह के अंदर हम एक आइडेंटिटी जारी करेंगे। लेकिन इसमें एक शर्त है, आप किसी अधिकारी से नहीं मिल सकते हैं। CFP के डूज एंड डोंट्स हम सर्कुलेट कर देंगे, वो यू मस्ट नो। एक्चुअली में क्या होता है कि देखिए जस्ट ए मिनट ये आइडेंटिटी आप सिर्फ उनके लिए यूज कर सकते हैं जो आपके डायरेक्टली टास्क से रिलेटेड है, ठीक है ना।
आप सोसाइटी के ठेकेदार नहीं बनेंगे। ओके फाइन, आप मेरी बात समझ रहे हैं क्या? अंडरस्टूड अंडरस्टूड सर। सो आई डू नॉट वॉन्ट एनीबडी टू अप्रोच एनी ब्यूरोक्रेटिक हायरार्की, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेटिक हायरार्की किसी न किसी दबाव में, किसी न किसी रेंट सीकिंग बिहेवियर में, किसी न किसी घूस, किसी न किसी बदमाशी के चक्कर में उल्टा सीधा कर रही है। तो हम उसको जो है ना एड्रेस अपने सीएफबी के क्राइम फ्री भारत मॉड्यूल के तहत करें ना, उसका रिकॉर्ड क्रिएट करें ना, हम उसके दरवाजे क्यों जाएं, उसको बाध्य करें, ये उसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कितने समय तक वो मोटी खाल रखेगा, राइट? यदि हम धैर्य रखेंगे तो एक आध साल में उसकी मोटी खाल जाना अपने आप पतली हो जाएगी, क्योंकि उसकी तो नौकरी पे आ पड़ेगी। यदि किसी थानेदार ने 1000 केस रजिस्टर नहीं किए और पूरा डॉक्यूमेंटेशन है और उसका इवन इन्वेस्टिगेशन है, तो वो थानेदार कब तक अपनी नौकरी बचा पाएगा? वो नौकरी नहीं बचा पाएगा, वो एसपी नौकरी नहीं बचा पाएगा, वो डीजी अपनी नौकरी नहीं बचा पाएगा, सरकार अपनी नौकरी नहीं बचा पाएगी। सरकार गिर जाएंगी अंडर आर्टिकल 356 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की धारा 300 अनुच्छेद 356 के तहत सरकारें गिर जाएंगी, क्योंकि ये उनकी संवैधानिक जिम्मेवारी है। आज कोई उनसे इस भाषा में बात नहीं कर रहा है, इसलिए ये सब मठाधीश बने हुए हैं। अभी जो ये कहते हैं ना हम जनसेवक हैं, फिर जनसेवक बनना उनकी मजबूरी होगा। अच्छा सर, मैं एक कनाई रिक्वेस्ट कनाई आपकी। हाँ श्योर 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 सर। जैसे मैंने अपना ये मिशन स्टार्ट किया और मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ इसके आसपास गांव है जहाँ पे खेती होती होती है और सारी चीज होती, तो मैं देखो इसमें दो तीन काम करना है। मैं वहाँ पे मैं भी टीम बनाती मेरे पास अच्छे लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं जो प्रेस में है और अदर संगठन से भी जुड़े हुए हैं जो ऐसा इन सब कामों में। देखो मैं इसमें आपको पूरी सोच देता हूँ आपको, ठीक है ना? देखो इसमें सोच ये है कि पहले हमें उनको अपनी बात कहने के लिए मटेरियल तैयार करना चाहिए, राइट? तो हम उसके लिए डॉक्यूमेंट्री टाइप की चीजें बनाएं, अपना प्रेजेंटेशन बनाएं जो कि ऑटो प्रेजेंटेशन हो, ठीक है ना, उनकी भाषा में हो, ठीक है ना? फिर जो आपका बंदे को पहले ट्रेनिंग दें सो दैट वो जो है ना हर चीज को अच्छे ढंग से समझा पाए, ठीक है ना? उसको ट्रेनिंग देने के बाद उससे कहो कि भाई हमें ही समझाओ तुम, तो उसकी समझाने में कहां गलतियां हैं हम उनको रिफाइन कर पाए, राइट? फिर जो है वो जाके जो है ना फार्मर से बात करे, राइट? और तब तक अपना जो है लीगल ज्वाइंट वेंचर का डॉक्यूमेंट रेडी होना चाहिए। सो वी विल बी सीएफबी विल बी फॉर्मली साइनिंग ए ज्वाइंट वेंचर विच विल बी लीगली इन्फोर्सिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब हम उससे ज्वाइंट वेंचर साइन करें जो कि कोर्ट में इन्फोर्सिबल हो। यदि हम किसान से कह रहे हैं कि आपको 1 MSP बिना कॉस्ट के, कॉस्ट फ्री फ्रॉम ऑल कॉस्ट यदि दे रहे हैं, तो वो हमारे ज्वाइंट वेंचर में एक रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए। तो क्या चीजें हैं, क्या डूज हैं, क्या डॉन्ट्स हैं, हमें एक अच्छा सा स्मार्ट सा ज्वाइंट वेंचर डॉक्यूमेंट इसके लिए बनाना पड़ेगा। बिल्कुल सर। आई जस्ट वांट टू आस्क यू, अगर जैसे मैं कोई बिजनेस वाला मिशन स्टार्ट करता हूँ और कहीं से कोई अवरोध पैदा होता है, जैसे कि आप किसी गांव में गए वहाँ के प्रधान के सामने जो बोलने आप सीख रहे सर तो जो है बेसिकली उसका एक तरीका ये होगा कि द सच पर्सन शुड बी आस्क्ड टू टॉक टू मी। ओके, ये सब हमारे डीजी साहब से बात करिए, ये उनके उसमें चल रहा है, आपको क्या दिक्कत है, राइट? और यदि ऐसा होगा तो फिर वहां की लीगल हायरार्की को बीच में इंटरवीन किया जाएगा, लेकिन वो आप डायरेक्टली नहीं जाएंगे, आप पहले हम बात करेंगे, फिर जो है ना यदि आपको भेजना होगा तो फिर मेरे बात करने के बाद आप रिटन डॉक्यूमेंट्स के साथ जाएंगे, आप फॉर्मल कंप्लेंट करेंगे कि इन्होंने ऐसा ऐसा किया, ऐसी धमकी भी फलाना किया, राइट? फिर आपके साथ एक ऐसा व्यक्ति भी रहेगा कि जब वो दोबारा आए तो उसका वो रिकॉर्डिंग करे, राइट? जब वो आपके पास है तो आपके एक आध डिवाइस चालू होना चाहिए जो आपके वार्तालाप और उसके वार्तालाप को जो है रिकॉर्ड करे, जिससे कि वो जो है ना अपनी झूठी मूठी बातें बनाने की स्थिति में नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो झूठी मूठी बातें आप भी बना सकते हैं और वो किसान या जो है ना सरपंच भी बना सकता है। ठीक है ना? जी सर, ठीक है। और ये ऐसे तो हालात होंगे। क्या कह रहा हूँ, आई कंप्लीटली अंडरस्टूड योर कॉन्सेप्ट, आई एम रियली सो हैप्पी।
अच्छा, अब आप उसको आप इसको एक रिटन डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करो, जिसमें कि इस वार्तालाप को नहीं करना है, जो कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आया है उसको एक रिटन डॉक्यूमेंट बनाओ, ठीक है ना, कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। क्योंकि देखिए इसमें किसान एक फोकस है, फिर हमें सभी जो है ना स्टेक होल्डर्स के पास जाना होगा, राइट। जैसे हमारा स्टेक होल्डर होगा एग्रो मशीनरी एंड टूल्स, तो हमें एक सूची बनाना पड़ेगी कि एग्रो मशीनरी कौन कौन बना रहा है। वी हैव टू हैव द डायलॉग विद देम कि आपकी मशीनरी में हम ये इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, राइट। बल्कि हम उनसे कह सकते हैं कि तुम मशीन बनाओ, तुम्हें बेचने की चिंता भूल जाइए, सीएफबी विल टेक केयर ऑफ दिस डिस्पोजल, राइट। तो उनका उनका जो है ना देखा जाए तो उनका पूरा मार्केटिंग की पूरी कॉस्ट खत्म हो गई उनकी, तो बिल्कुल, क्योंकि सीएफबी इससे जैसे जूम करिए कि हर खेत में अपनी एक गौशाला होगी, राइट। तो हमें काउ ब्रीडिंग सेंटर्स डेवलप करना होंगे, तो जो अवेलेबल हैं उनसे पार्टनरशिप करना होगी, और बाकी का काउ ब्रीडिंग सेंटर एस्टेब्लिश करने के लिए पूरी स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगी, ठीक है ना। जैसे मान लो सैपलिंग बनाना है तो देयर कुड बी ए ज्वाइंट सैपलिंग, जिसमें मेडिसिनल प्लांट होंगे, हॉर्टिकल्चर प्लांट होंगे, और हम डेडिकेटेड नर्सरीज बना सकते हैं। वन इज डेडिकेटेड फॉर मेडिसिनल प्लांट्स, एंड उस नर्सरी में उस रीजन में जो पैदा हो सकते हैं उन्हीं प्लांट्स को फोकस किया जाएगा। तो जैसे जो ठंडे वाले एनवायरनमेंट में हो सकते हैं तो वहां पे उन मेडिसिनल प्लांट्स पे फोकस किया जाएगा। जो कोई कर्नाटका में हो सकते हैं, तमिलनाडु में हो सकते हैं, वहां उन प्लांट्स पे फोकस किया जाएगा, राइट। तो हम जो कई बार कोशिश करते हैं कि क्योंकि हमारी नर्सरी यहाँ पर है तो हम दुनिया के प्लांट यहीं उगा लें, ऐसा नहीं करेंगे। जहां प्लांट लगाना है, जहां पे वो बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं वहां पर लगाया जाए ना उनको। यदि मान लो कृषि जो है ठंडे सीजन में बहुत अच्छा कर सकते हैं, यदि मान लो हम वहां यहाँ उगा भी लेते हैं तो उसकी मेडिसिनल वैल्यू में कहीं ना कहीं तो फर्क पड़ेगा, उसके टेस्ट में फर्क आएगा, उसकी मेडिसिनल वैल्यू में फर्क पड़ेगा। तो जब पूरा भारत ही हमारा ये है तो हम जो है ना जिस जगह जो चीज जहां पे बेस्ट हो सकती है हम वहां पे क्यों पैदा ना करें। और यदि रिक्वायरमेंट है जहां पे उसका जरूरत है, और यदि जमीन कम पड़ने लगेगी तो जो है ना मल्टी स्टोरी बिल्डिंग अकेली जो है ना आदमियों के रहने के लिए बन सकती है, प्लांट के लिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग क्यों नहीं बन सकती है। नहीं नहीं, खेती हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पे क्यों नहीं कर सकते, यदि यदि जमीन की कमी पड़ती है तो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, तो वो कोई इशू नहीं है। और हम यदि ऐसा क्रिएट करेंगे तो हम लोगों के लिए व्यवसाय पैदा करेंगे, कंजम्पशन के लिए डिमांड पैदा करेंगे, राइट। स्टील के लिए डिमांड पैदा करेंगे, सीमेंट के लिए डिमांड पैदा करेंगे। तो हमें जो मैं जो परसीव कर पा रहा हूँ इसका विराट स्वरूप, मुझे लग रहा है कि हमें पूरे भारतवर्ष की पॉपुलेशन लगाने के बाद भी लोग कम पड़ जाएंगे, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम 200% खत्म हो जाएगी। और जब यहाँ पे अमृत पैदा होगा, अमृत मिलेगा, तो फिर विदेश वाले लोग पीछे हटेंगे क्या? वो तो आपके पीछे लाइन लगाएंगे, भैया आप 10 गुना कीमत पे दे दो मुझे दो। लेकिन सारी चीजें सर इस कॉन्ट्रैक्ट से, इस मिशन से सारी चीजें इतनी स्मूथ हो जाएंगी, लोगों के मन के विचार चेंज होंगे, शरीर स्वस्थ होगा, एक अमृत होगा। वगैरह रियली अप्रिशिएटेड सर, मैं बहुत हम उसमें एक चीज और भी कर रहे हैं कि देखो अकेला देखिए रोटी कपड़ा मकान तीनों चीजें चाहिए, और अब तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और बाकी चीजें भी चाहिए, राइट। अब तो विदेश यात्रा भी चाहिए, ठीक है ना। बिकॉज गांव के एक मजदूर को अमेरिका घूमने का मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए? वी विल प्रोवाइड दैट अपॉर्चुनिटी। तो उसकी केवल 2 लाख रुपए पर मंथ की फैमिली की इनकम नहीं करेंगे, बल्कि वी विल गिव हिम दैट अपॉर्चुनिटी टू इवन सी दैट 5-star hotels। लीन सीजन में जो है सीएफबी विल बी गिविंग देम द अपॉर्चुनिटी कि आप भी जाके 5-star hotel में रहो, आप भी विदेश घूमो। इट विल कम एज ए पार्ट ऑफ आवर पैकेज, आवर इंसेंटिव पैकेज, कि आप अच्छा काम करोगे आपको 3 नाइट जो है ना 5-star hotel में मिलेंगे। यदि आप ये अच्छा काम करोगे तो आपको अमेरिका का भ्रमण, फ्री भ्रमण मिलेगा। आई मीन हम जो वो चीजें जो है ना वहां क्यों नहीं ला सकते हैं अपने गांवों में और लोगों में? कितनी जो है ना रूरल एग्रीकल्चर जो है वो पैदा होंगी, और सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ उठा लीजिए जितना मिल पाता है। तो उसके उसकी पेपर फॉर्मेलिटी तो तैयार कर ली, हर किसी को वो भी नहीं तैयार करना पड़ेगी, एक बार अपन ने उनका पेपर वर्क कर लिया, उसके
जो फिलिंग करने के लिए जो है ना सामने मैक्रो जो होंगे, मैक्रो भरा, उसने डॉक्यूमेंट तैयार कर दिया, डिजिटल सिग्नेचर करो, पुश करो, उसी स्पीड से काम करेंगे। और यदि मान लो उसने सेंक्शन एक्सपेंशन में देर लगाई तो सीएफबी पीछे पड़ जाएगा शिकायत लेके, ठीक है ना। तो मतलब सीएफबी को इग्नोर करना किसी की औकात नहीं रहेगी आने वाले समय में। तो आपको अपनी बात समझ आई क्या करना है। नंबर वन, आपके एरिया पहले समझ लो। नंबर वन, क्योंकि आपका सेल्स एंड मार्केटिंग वो है, तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी एनर्जी को अलग अलग उसमें डालो। एक हो गया है एग्रीकल्चर के रिलेटेड, राइट। फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम बात करें तो हमें एग्रो इंडस्ट्रीज की बात करना पड़ेगी, राइट। मतलब जो एग्रो से रिलेटेड इक्विपमेंट, टूल्स एंड मशीनरी, उन्हें उनके लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उनसे वन टू वन बात करना पड़ेगा, क्योंकि उनके जो इक्विपमेंट है वो वर्तमान शेप एंड साइज में हम उन्हें अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, राइट। तो हम उसमें आरएफआईडी लगाएंगे, जीपीएस लगाएंगे, दूसरे सेंसर्स लगाएंगे, जिससे कि सीएफबी को कोई झूठ बोलने की स्थिति में नहीं होना चाहिए। मतलब दैट विल बी द पार्ट ऑफ द चित्रगुप्त, राइट। चित्रगुप्त सीएफबी को सब बता जाएगा, उसके लिए किसी सुपरवाइजर को भेजने की जरूरत नहीं। सुपरवाइजर जाएगा तो वो नॉलेज गैप को आइडेंटिफाई करके, इंटेंशन के गैप को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई सुपरवाइजर नहीं जाएगा। इंटेंशन को तो हम अपने डिवाइसेस के थ्रू कैप्चर करेंगे। हम जो है जो सुपरवाइजर जाएगा वो नॉलेज, जो तक गुड इंटेंशन के साथ जो आपसे गलतियां हो रही हैं वो ना हो, राइट। सुपरवाइजर का काम आपको वो गाइड करना होगा। मतलब आप जानबूझ के कोई बदमाशी कर रहा है तो उससे तो सिस्टम कैप्चर करके आपको जो है ना बाहर निकाल देगा, नौकरी चल जाएगी, यहाँ कोई अपील थोड़ी है। बोलो एक जो भी है, अगर आप ऑफिस में जो हमारे बैक ऑफिस देखते हैं या उनसे एक मेरे को मेल या ऐसा कोई व्हाट्सएप पे मैसेज पूरा मेरा वर्किंग का वो अगर बता दें कि मतलब मैं काम ये करते हैं, अपने काम करते हैं कि आई एम बिजी टिल 11th, राइट। 11 तारीख को हम लोग जो है ना, आप अपनी ईमेल आईडी मुझे भेज दें अभी, तो हम आपके साथ एक सेशन प्लान करेंगे जो वीडियो सेशन रहेगा, और ये जो है यूट्यूब चैनल पे भी जाएगा अपने क्राइम फ्री भारत के। क्योंकि हम जो कुछ भी बात कर रहे हैं वो सब बात क्राइम फ्री भारत पे जाना चाहिए, क्योंकि लोग वहां कहानी बनाएंगे, उन्हें तो कहानी बनाने का मौका किसी को नहीं मिलना चाहिए, लोगों को अटकलें लगाने का मौका भी नहीं मिलना चाहिए। भड़काने की हिम्मत करे कि नहीं उनको गलत आ रहे या इधर कर रहे हैं, तो भड़काने की हिम्मत करेगा तो उसको रिकॉर्ड करो ना। यदि वो क्राइम के खेत में आता तो जो ना ये फॉर्मल रिकॉर्ड करें, ठीक है। यदि आपको कुछ कहना है तो आप हमसे कहिए ना, हम आपको लिखित जवाब देंगे, ठीक है सर। ठीक है सर, मैं समझ गया सर। क्योंकि नहीं, क्योंकि जो आप कह रहे हो ये सब परिस्थितियां ग्राउंड पे आएंगी, क्योंकि लोगों को जब अपने बेस्ट स्टूडेंट सुन के वो होंगे तो उनको ये लगेगा कि हमें इसमें जो है ना, लोगों को तो दूसरों से वसूलने की आदत पड़ गई है ना, तो वो चाहेंगे कि आप भी मुझे कुछ दे दो। हाँ हाँ, उनकी उनकी जो अर्निंग होगी, उनकी अर्निंग ये जो काम का पैसा आ रहा है, उनको जो पैसा आ रहा है वो आप नहीं दे रहे हो तो उसको भूल जाओ, राइट। उसको सरकार को सोचने दो कि उनके पास आराम का पैसा क्यों पहुंच रहा है, क्या पहुंच रहा है। अभी अपनी सीएफबी इस सब चीजों में एनर्जी नहीं लगाएगी, सीएफबी पॉजिटिव काम करने में अपनी एनर्जी लगाए, राइट। और जब जब अपन परफेक्ट हो जाएंगे, अपना पूरा नेटवर्क बन जाएगा, तो फिर उन चीजों पर भी फोकस करेंगे, पर वो भी नहीं होने देंगे। लेकिन अभी फालतू की चीजों पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि यदि हम फालतू की चीजों पर ध्यान देंगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम जाएगी। सर, और बहुत सारी ऐसे देखे जाए तो सही कह रहे हैं आप, बहुत बहुत पॉइंट ऐसे हैं जिस पे वर्किंग करनी है, बट सबके अभी एक इनिशियल स्टार्ट जो आपने बताया यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको एक बार स्टैंड करते हैं लेकिन फिर उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट लेते हैं। तो 11 तारीख तक आपको अपने एक्शन प्लान के साथ, और आपने जो जो आप कह रहे हैं कि हमारी टीम है तो वो टीम ही बना के और उसके साथ आइए, फिर देन यू कैन मेक द प्रेजेंटेशन के साथ। देखिए, मैंने आपसे चर्चा की थी, उससे हमने ये चीजें सोची हैं, तो पहले हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ठीक है ना। फिर हम उसमें क्लेरिफिकेशन देते जाएंगे आपको। आप तो इसको तीन तरीके से हो सकता है। नंबर वन, प्रेजेंटेशन होगा। दूसरा फिर आपका होगा कि कंसर्न्स एंड क्योरीज, राइट। जैसे अभी आपने जितनी भी बातें कही वो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको लिखो। कैसा भी यदि मान लो प्रधान ये कहेगा या वो बदमाशी करेगा या गुंडा बदमाशी करेगा, तो क्या क्या बदमाशी हो सकती है और हमारा आपका सब हम उनको कैसे हैंडल करेंगे, राइट। तो
क्योंकि वो यूट्यूब पर रहेगा, वो भी सुन लेगा तो उसे समझ आएगा कि भाई इनसे पंगे लेना ठीक नहीं है। मतलब उससे वो भी फर्क होगा ना कि हमारी टीम ऑलरेडी ये सब कर रही है, रिकॉर्ड करेगी आपको, घेर लेगी आपको, उसके पीछे डीजी लगा हुआ है कितने साल के अनुभव वाला, वो आप कैसे छोड़ देगा। जो क्राइम फ्री भारत जो है ना करने की ठान के रखी है, वो उसके सामने ये सरपंच सरपंच कौन कौन लगते हैं, गुंडे कौन से लगते हैं उसके सामने। उसके दिमाग से जो है ना ये लोग लड़ पाएंगे क्या, बिना पढ़े लिखे अनपढ़ लोग हैं, कभी नहीं कर पाएंगे। और दूसरी चीज, आप देखिए सर, आपका जो अहदा है जो हम आप लीड कर रहे हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों पे। अगर मैं लोग डीजीपी सर और डीजीपी सर के द्वारा ये किया जा रहा है तो उससे भी काफी इम्पैक्ट पड़ेगा, लोग आने से बचेंगे, ये गलत काम करने से बचेंगे हम लोग के साथ। नहीं, यदि वो करेंगे तो हम उनको, यदि उनका कृत्य कानून की उसमें यदि अपराध की कैटेगरी में आएगा तो हम अपराध रजिस्ट्रेशन कराएंगे। लेकिन हमारा कोई भी व्यक्ति सीधे किसी अधिकारी से मिलने नहीं जाएगा, पहले वो अपनी एप्लीकेशन हमें देगा, राइट। वो एप्लीकेशन हम फॉरवर्ड करेंगे, हम बात करेंगे, फिर यदि हमको लगेगा कि आपको जाना है तो हम भेजेंगे, तब आप जाएंगे। यदि मुझे बिना बताए आप चले जाते हैं तो जो है ना कम से कम यू हैव टू ड्रॉप ए मैसेज के सर सिचुएशन इज सो बैड के आई हैव टू गो, देन यू हैव टू एटलीस्ट ड्रॉप ए एडवांस मैसेज के सर दीज आर द सिचुएशन आई एम फेसिंग, प्लीज कॉल मी बैक। बिकॉज जरूरी नहीं है, देखिए मैं आई मे नॉट बी अवेलेबल फॉर कम्युनिकेशन, राइट, एंड आई वुड नॉट लाइक कि मुझे छोटी सी चीज में इन्वॉल्व किया जाए। हम उसकी स्ट्रक्चरल चीजों को इंटरवीन करेंगे। तो अभी आपको हम 11 तारीख का समय दे रहे हैं, आज 7 तारीख हो गई है, 7, 8, 9, 10 चार दिन में आपको जो है ना पूरा खाका तैयार करना है, एक प्रेजेंटेशन तैयार करना है जिसमें आपने क्या समझा है, उसका स्ट्रक्चर आप कैसे बनाएंगे, आपका जो है डिफरेंट स्टेक होल्डर के लिए क्या स्ट्रक्चर होगा। यदि आप उस समय कुछ टीम के नाम सोच पाते हैं तो नाम लिख दीजिए, नहीं तो ABCD छोड़ दीजिए, जैसा भी करना है। एक प्रोफेशनल आप मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं तो आपकी वो प्रोफेशनलिज्म उसमें हमें दिखाई देना चाहिए। मैं आपको दूसरा जो देखिए दूसरा सर आपके जो कंसर्न्स एंड क्वेरीज हैं, और ये कंसर्न्स एंड क्वेरी आपके लिए जमीन पे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ गुंडे जो है ना वो सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे, कुछ सरपंच सरपंच ये जो नेता लोग हैं ये सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे। तो आप उन मुद्दों को यदि उठाएंगे तो हम उसका एक समग्र सॉल्यूशन उसी समय बता देंगे, दैट विल बिकम गाइडिंग प्रिंसिपल, और फिर वो आपके डॉक्यूमेंट का हिस्सा बनना चाहिए, राइट, कि यदि ऐसी सिचुएशन होगी तो ये करना ही पड़ेगा। जैसे आप ब्रीफिंग करने जा रहे हो तो लेट इट बी ए ब्रीफिंग, रिकॉर्डेड ब्रीफिंग, हम उसको जो है ना यूट्यूब पे भी चला देंगे। तो कुछ लोग बिना ब्रीफिंग के जो है ना यूट्यूब के को देख के ही जो है ना ब्रीफिंग पा जाएंगे, रादर देन यू आर कॉन्टेक्टिंग देम दे विल कॉन्टेक्ट अस के साथ। तो बड़ी अच्छी चीज है, मुझे इसका हिस्सा बनना है, जैसे आपने कहा कि सर मुझे इसका हिस्सा बनना है, कहा कि नहीं कहा। देखिए आप, देखिए मैंने आपको अप्रोच नहीं किया, आपने मुझे अप्रोच किया, किया कि नहीं किया, बिल्कुल किया सर। तो आपने कैसे अप्रोच किया, क्यों किसी ने आपको बताया, राइट। तो जब ये चीज अवेलेबल होंगी तो लोग आप जो है ना कहेंगे अरे बच्चे से तू जो है ना तेरे को हमारे कोई अच्छी नौकरी नहीं है, कर रहे यार ये क्या कर रहा है तू, ठीक है ना। तो अपन एक इसके मॉड्यूल में ये भी डालेंगे कि जब आप ब्रीफिंग के लिए भी जा रहे हैं लेट इट बी ए रिकॉर्डेड ब्रीफिंग। तो ग्रुप ऑफ टू जाए, एक जो है ना उसको रिकॉर्डिंग करे, छोटे से जो ना एक स्ट्रक्चर वो खरीद ले, एक फ्रेम टाइप का जो होता है जो खड़ा कर दिया जिससे कि कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, राइट, और उसको टीम को आप तत्काल भेज दीजिए, टीम उसको जो है ना यूट्यूब चैनल पर रिकॉर्ड कर देगी, तो आपका काम भी आएगा, आपको अच्छा भी लगेगा कि आपका वीडियो भी यूट्यूब चैनल पर चल रहा है, राइट। अच्छा, जब इस तरीके के वीडियो चलेंगे तो लोगों को लगेगा अरे यार, तो वो फिर वो खुद को खोजेंगे, देखेंगे, राइट। तो आपका जो प्रसारित करने का जो एफर्ट है वो काफी कुछ मिनिमाइज हो जाएगा, लोगों का आप लोगों के पास जाने की बजाय लोग आपके पास आने लगेंगे। तो आपको जो जो LIC मॉडल पे जो इंसेंटिव मिलेगा वो मुफ्त में मिल रहा है देखा जाए तो। उस समय बाद जाए थी मान लो लोग आप उनको अप्रोच करने की जगह वो आपको अप्रोच कर रहे हैं और उल्टा आपको पैसा भी मिल रहा है तो सोने में सुहागा हो गया ना, सामने वाले को तो बिना मेहनत के जो है ना पैसा मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि नहीं, बिल्कुल करेक्ट। तो
लेट्स क्रिएट ए फुल इकोसिस्टम, एंड टू एंड इकोसिस्टम क्रिएट करना है मेरा ये। तो अभी तक मैं एक प्रेजेंटेशन बनाता हूँ। हाँ हाँ। और मैं प्रेजेंटेशन बना के जब 11 को हम मैं 10 को आपको प्रेजेंटेशन 10 ट्रेनिंग को भेजूंगा और फिर 11 को मैं उसको क्रिएट कर दूंगा पूरे फेसबुक में। बिल्कुल ठीक है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करूं, आपको प्रेजेंटेशन के 3 हिस्से रहेंगे। नंबर 1 जो आप समझ पाए और एक्सटेंडेड फॉर्मेट ऑफ इट, राइट, मतलब उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होगा, फलाना क्या होगा, ये क्या होगा, एक प्रोफेशनल जो है मार्केटिंग एक्सपर्ट है उसकी हमें झलक आपकी प्रेजेंटेशन में दिखना चाहिए, ठीक है ना। राइट राइट। नंबर 2 इसलिए हम चार और आपकी आवाज सीधन से नहीं आई, फिर से बोलो। सर मैंने एक लोगो अपने ये मिशन क्राइम फ्री भारत का एक लोगो बनाया है। आप उसको भेज दीजिए, एक टीम के पास जाएगा वो जो है, फिर मेरे अप्रूवल के बिना है कुछ होता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो कैन बी, इट कैन बी यूज फॉर ए पर्टिकुलर इनिशिएटिव। जैसे अज्यूम करिए कि क्राइम फ्री भारत का एक जनरल लोगो हो गया है, फिर उसके हर इनिशिएटिव का एक लोगो हो सकता है। जैसे एग्रो मॉडल का जो है ना एक अलग होगा, तो एक क्राइम फ्री भारत का जो ओरिजिनल वो है वो एक तरफ लग गया, दूसरी तरफ जो है ना जो सीएफबी के जो छोटे छोटे इनिशिएटिव हैं उनका अलग हो गया, ठीक है ना। तो सीएफबी एग्रो इनिशिएटिव का अलग लोगो हो सकता है, सीएफबी आयुष का एक अलग लोगो हो सकता है, सीएफबी इन्फोटेनमेंट का अलग हो सकता है, सीएफबी बैलेट का एक अलग हो सकता है, सीएफबी जो है आपका ई कॉमर्स का है उसका अलग हो सकता है, क्योंकि वी हैव डिसाइडेड कि सीएफबी विल ब्रिंग ई कॉमर्स ऑल्सो। तो हम जो है ना अपने गांव के अपने जो सीएफबी के वॉलंटियर्स हैं और जो बाकी गांव वाले हैं उनकी पूरी आवश्यकताओं को हम पूर्ति करेंगे, राइट। तो वो अकेला जो है ना उनको उनके अन्न से काम नहीं चलेगा ना, उन्हें मकान भी चाहिए होगा, उन्हें कपड़ा भी चाहिए होगा, उन्हें टीवी भी चाहिए होगा, उन्हें फ्रिज भी चाहिए होगा, राइट। एंड ये एंजॉयमेंट ये एंजॉयमेंट उन्हें क्यों ना मिले, राइट। हम तो जो है ना उनको जो है ना जैसे लोन होता है उस फॉर्मेट में भी जो है ना वो चीजें उपलब्ध करा देंगे, क्योंकि जब आपका जो हमें मालूम है कि आप 2 लाख रुपए कमा रहे हैं तो 2 लाख रुपए के इक्विवेलेंस वी कैन से कि भाई तुम जो है ना इस तरीके से इस क्रम में चीजें अपने घर पर ले आओ, देन वी कैन इवन हैव दैट डायलॉग विद द मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली एंड वी कैन गेट ए वेरी स्पेशल प्राइस फॉर सीएफबी। जब आप उनके लिए इतना बड़ा कंजम्पशन लेके आएंगे तो उनके मार्केटिंग एफर्ट जीरो हो गए, राइट। हाँ, तो फिर वो जो जितनी उनकी कॉस्ट जो ओवरहेड कॉस्ट है वो बच जाएगी। तो हम जो है अपने इकोसिस्टम में अपने इकोसिस्टम ई-कॉमर्स के तहत उनकी वो आवश्यकताएं पूरी कर पाएंगे जो सीएफबी की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो सीएफबी के डायरेक्ट इनिशिएटिव नहीं है। जैसे अज्यूम करिए कि हम उसके किसानों के लिए या वर्कर्स के लिए ग्रीन इको फ्रेंडली हाउसिंग क्यों नहीं ला सकते हैं, उन सभी के छतों पे जो है ना सोलर पैनल क्यों नहीं लगा सकते हैं, जब उनको कॉस्ट का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है। इज इट मेकिंग सम सेंस टू यू? हेलो, सर। तो हाँ, और ये बात अपन को हर जगह पे बात करना है कि सीएफबी विल ओनली बी हेल्पिंग दैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रॉब्लम। यहाँ पे 1-to-1 जो है ना, यदि आपको करना है तो सीएफबी के जो पोर्टल के थ्रू आप रिपोर्ट करिए, राइट। आप हमसे बात कर रहे हैं तो यू कैन नॉट यूज माई पर्सनल पोजिशन फॉर सेटलिंग योर पर्सनल थिंग्स। नहीं, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ यू, आई एम टॉकिंग ऑफ द सीएफबी फैमिली एज ए होल। तो क्योंकि अदरवाइज माई लाइफ विल बी वेरी मिजरेबल। हर कोई यदि अपनी पर्सनल प्रॉब्लम लाने लग जाएगा तो हम उसकी ये मॉडल को रन करने की बजाय उसकी पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठे रहेंगे। एग्जैक्टली। वो डिफरेंस तो तब आएगा जब हमारे एंड से भी चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, कहीं से बाधा आ रही है हमको, देन वो आपके पास फिर वो। हाँ, लेकिन आपके एंड से जो भी प्रॉब्लम आ रही है दैट हैज टू बी थ्रो ऐप, इट हैज टू बी रिपोर्टेड इमीडिएटली। तो वो रिपोजिटरी में चला जाएगा, वो दैट कैन बी यूज एज एविडेंस। मतलब वो जो है 10 बाय जो है ना इसके सभी के जो है ना स्पेशलाइज ऐप बनेंगे, राइट।
सो दैट आपके एंड पे जो है ना कैप्चरिंग शुड बी, जो बाद में जो कोई आपको ये नहीं कहता साहब ये तो आप कहानी बना रहा है। अभी हमने इसकी मेंबरशिप खोली ही नहीं है, बहुत जल्दी हम इसकी मेंबरशिप खोलेंगे। बेसिकली CFB will be having three different formation. जैसे CFB अभी एक NGO का format में already है, ठीक है ना? Then it will be a CFB will be one agro, IOS and other initiative की एक company formation की होगी, ठीक है ना? और तीसरा formation उसका foundation और trust formation रहेगा। तो it will be NGO, it will be company and it will be a trust also. तो जो काम जिस फॉर्मेट में जिस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में सबसे इफिशियंटली किया जा सकेगा उसको उस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के थ्रू हैंडल किया जाएगा। जैसे कुछ चीजें एज ए कंपनी हैंडल की जाएंगी। इसके कोई मेंबरशिप है? हाँ, जो CFB के मेंबरशिप है उसकी बाकायदा परमानेंट मेंबरशिप फीस है सब है उसको पूरा। तो इतने फॉर्मली रिकॉग्नाइज रजिस्टर्ड NGO ना, तो उसमें सब कुछ है। लेकिन अभी हमने फॉर्मली इसका खोला ही नहीं है अभी तक। आई हैव नॉट ओपन द मेंबरशिप सो फॉर। अभी इसकी मेंबरशिप जो है ना, इसकी मेंबरशिप हम अगले महीने में नवंबर में खोलने की बात सोच रहे हैं। तो अभी तक जो है, मैं भी कुछ सर अपनी देना चाहूंगा, आप उसको जो है रिटन डॉक्यूमेंट में बनाओ, प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में बनाओ एंड देन वी कैन हैव एन नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन फ्रॉम योर साइड। ये जरूरी नहीं है कि हमने आपको मार्केटिंग की जिम्मेवारी दी है क्योंकि आपका स्पेशलाइजेशन है, तो आपको जो है ना, आप दूसरे फील्ड में भी आप वर्क कर रहे हैं, आपको आइडिया है, आपके अपने व्यूज हो सकते हैं। So everyone is having a right to make a presentation. और बाद में तो इन प्रेजेंटेशन के लिए रेवेन्यू भी मिलने वाली है। मतलब दिस प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन देता हूँ और 11th को जब ऑन वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस होगी देन आई विल एक्सप्लेन ऑल माय अबाउट माय प्रेजेंटेशन। यू विल मेक प्रेजेंटेशन, क्योंकि उसमें प्रेजेंटेशन देने का है ऑप्शन है, तो वो आप उसी में बाकायदा प्रेजेंटेशन अपलोड करोगे, प्रेजेंटेशन दोगे और उसका पूरा वैसा ही होगा, ठीक है ना? ओके, चलिए अखिलेश, प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड आई एम वेरी श्योर ये छोटी छोटी चीजें मिलकर एक बड़ा स्वरूप पैदा करेंगी जो इस क्राइम फ्री भारत को जो है एक विश्व का लेवल पे जो है ना, इट विल बिकम ए मॉडल फॉर यूनिवर्स। आई रियली फील ऑनर्ड टू टॉक टू यू सर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव माय 100% टू मेक माय प्रेजेंटेशन। ग्रेट ग्रेट अखिलेश, थैंक यू। और अपने जैसे सैकड़ों लोगों को खोजना है, अकेले से काम नहीं चलेगा, इतना बड़ा महायज्ञ करने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए, ठीक है ना? काफी प्रतिष्ठित लोग हैं, हमारे पत्रकार भी हैं और भी बहुत बीटेक के हैं। अब हमारे वो सर्किल में काफी अच्छे, सबसे पहले वो अच्छे इंसान होना चाहिए, उनकी सोच अच्छी होना चाहिए जी। बाकी तो ये सेकंड कैटेगरीज है, ठीक है ना? ठीक है, चलिए चलिए, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत सर।